हेलो हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानको स्वागत अभिनंदन आमर वेस्ट टीवी यूट्यूब चैनल को एवं वेस्ट टीवी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को कथा होची जो ओएस कोचिंग बा आईएस पै कोचिंग से विषय रे बहुत पिला जानी पर नथले तेनो समस्तंग पै जणे दिया जाउची आमर ऑफलाइन कोचिंग किछि भी नाही। आगरो ऑफलाइन कोचिंग होतला 10-12 वर्ष चलथला किंतु एबे ऑनलाइन कोचिंग घरे बसिकी कोचिंग नहीं पारे कथा होदी आप चाहूँ प्रिपरेशन करने यूपीएससी हो बा ओपीएससी हो आप जो जगार भी था कहीं वर्किंग प्रोफेशनल होता बा प्लस थ्री पढ़ु था प्लस टू पढ़ी था बा पीजी पीएचडी हायर डिग्रीज भी कर राज्य बाहर राज्य भितर देश बाहर देश भितर जो भी था कहीं यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज ऑनलाइन राइट नाउ ऑनलाइन एजुकेशन हो जाए तो कथा हूँ कौन आमर जो कोचिंग प्रोसेस अच्छी ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था अच्छी आपण मैंने चाहिए जूम क्लास एडमिशन नहीं पारे घरे बसिकी ता पूर्व आम गूगल मीट्रे क्लास होता एवं जूम क्लास चली ऑनलाइन एवरीथिंग इज ऑनलाइन ऑफलाइन ना टाइम वेस्ट हुए एवं ऑनलाइन टाइम सेव हुए से समय आम कोऑपरेट कले आप बेसी मात्रा रिजल्ट हो हम भी कथा होची जो ओएस कोचिंग जो आईएस कोचिंग यूपीएससी ओपीएससी पे जो अच्छी कोचिंग जो अच्छी आमर मुझे बुझे दूची से कौन एक्सपेंडिचर हुए जी दरकार से एक्सपेंडिचर निहाय दरकार कारण एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इज वर्थलेस एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री ऑफ कॉस्ट इज वर्थलेस कौन जिनस मागणा हवा द्वारा सब जिन मैंने किसी वैल्यू ना बुझे सो एनवे जहाँ भी आप मानते देखुं भी रेवेन्यू इनवॉल्व आप बही किणवे भी इनवल्व रेवेन्यू इज रिक्वयर्ड एव्रीथिंग इवन आफ्टर जॉब अल्सो बिना सैलरी कई ओएस आईएस जॉब करें जिते मानते डेजिग्नेशन थाउ जिते प्रेस्टीज थाउ सोशल स्टेटस थाउ रिकग्निशन थाउ सो रेवेन्यू इज मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज यू नो सिविल सर्विस मुख्य काम हूँ रेवेन्यू कलेक्शन से कहुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सो एनवे व्हाट आई मीन टू से कोचिंग से मानी दरकार जो मैंने एक्चुअली चाहूँ ठीक लाइन लेंथ डिरेक्शन पाइबा सिलेक्शन जगार पहुँचापी फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचापी हाँ कोचिंग कहार दरकार नहीं जदि आप स्टैंडर्ड सिक्स रु पूरा एकदम ग्राजुएसन पर्यंत प्रतिदिन निघा करके पढ़ी एवं एक्सेप्शनल क्वालिटीज अच्छी घरे गाइड कर भाई भी मैंने सब अफसर होती सुविधा अच्छी तेल कोचिंग दरकार नहीं कितु मुझे कौच कोचिंग यही दरकार कोचिंग इज नेवर बैड आपण ओएस सिलेक्शन नेला परे आईएस सिलेक्शन नेला परे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेनिंग हम से तो कोचिंग तो होची ना ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग इज अल्सो कोचिंग राइट एवं ओएस सिलेक्शन नेला परे मध्ये आपण जो विजु पटनायक एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी जो जहाँ अच्छी से ट्रेनिंग बा कोचिंग ने आपठी पढ़े पिला माने मध्ये पढ़े जो मैंने प्रोबेशन रहिबे तांको टीचिंग भी दिजिव से एग्जाम देबे क्लास भी करिबे सो कोचिंग इज नेवर बैड कोचिंग इज गुड फॉर एनीथिंग इफ यू वांट टू अचीव आम माउंटेन रेंज चढ़ा तो कोचिंग दरकार ट्रेनिंग दरकार मनकर मु आज पढ़ाऊँ कि मनकर जेकोसी प्रोफेशन अच्छी तो मोर भी कई गुरु अच्छा जाइ तेणु कथा कोचिंग मान हूँ कोच मीनस स्पेशल गाइडेन्स दरकार सपोज क्लासेस रनकर अच्छी जूम क्लास क्लास रटडी मेटेरियल रहा भी रिक्वयरमेंट अच्छी सब पाखप दरकार कारण एग्जाम क्वालिफाई करवाई हेले जन कि आप कोऑपरेट करा दरकार जदि आप समस्त अच्छा कोऑपरेट करने कोचिंग दरकार नहीं बुझिपार तो कोचिंग से ही दरकार जो मैंने गाइडेंस एक्चुअली चाहते ट्रू सेन्स प्रिपेरेसन करने चाहते निहत दरकार हाँ गोटे किसी दिन नाला कोचिंग आप आईडिया निजे बस पड़े आ जो मैंने कहते मुझे बिना कोचिंग वेस्ट टपर हो आईएस टपर हो कि ना थैंक गॉड से थे आबे कि कहबार नहीं बिना कोचिंग जी होती हूँ खुशीर कथा कंडीशन मुझे जदि थ्रू आउट पढ़ी हम कितु आपड़ी ठीक गाइडेंस न ने से पंचवार्षिक योजना होन वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्ष भी लगे से जो कथा से कथा आम भी जो पढ़ाऊ आम कई जन पढ़े कोचिंग तेणु पढ़ाऊ मु दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ुली कोचिंग नौली ल पढ़ुली लर कोचिंग नौली तापर जाइ एंट्रांस देली ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रे हेगला ना मागणा रहेगला
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମାଗଣା ଖିଆ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭାରତବର୍ଷ ଡେଭଲପ୍ ହବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିରେ ଫ୍ରିରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହବ ଶସ୍ତାରୁ ହୀନସ୍ତା, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଥା ହେଉଛି ଶସ୍ତାରୁ ହୀନସ୍ତା ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଘର ତିନ୍ତିଲେ ଘର ଛାଇବା କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଘର ତିନ୍ତିବା ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଇଦେବା ଦରକାର, ଅର୍ଥ ତାକୁ ଛପର କରିଦେବା ଦରକାର। ସୋ ଏନିୱେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେତିକି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ସପୋଜ୍ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରହୁଛି, ବୋଥ୍ UPSC OPSC ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରହୁଛି, ତାପରେ ମେନ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ ରହିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ସ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ ଦେଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ତ ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ନା ହେଇପାରୁନି ସିମ୍ବଲଟା। ପ୍ରିଲିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପୁରା ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍, ବୋଥ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକିରି ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଫିଲୋସଫି। ଅପ୍ସନାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଛି, ଏବଂ ଫିଲୋସଫି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ରହୁଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଜିଓଗ୍ରାଫି ରହୁଛି। ଅପ୍ସନାଲ 1, 2, 3, 4, 5 ଛଅଟା ସବଜେକ୍ଟର ଅପ୍ସନାଲ କୋଚିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ମିଳିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ GS ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରିବେ, ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ ମିଶିକିରି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅପ୍ସନାଲ ତାପରେ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ବେଶୀ ପିଲା ଆଗ GS ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ GS ବି ଓବିଅସ୍ଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ରେ GS ବର୍ତ୍ତମାନ UPSC OPSC କ'ଣ ହେଇଛି, ଲଗଭଗ 100% ସେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, 19-20 ଟିକେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତେଣୁ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ଅପ୍ସନାଲ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହାର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଭଲ ହେବ ନା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପ୍ସନାଲ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ହେଉଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍। ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଡମିସନ୍ କରିପାରିବେ, ବା ପ୍ରିଲିମ୍ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଡମିସନ୍ କରିବେ। ୱିଦାଉଟ୍ ଆମ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 400 ଜିଷ୍ଟ ଅଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ, ଡାଇମଣ୍ଡର 4 ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଇଏ 4 ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଡମିସନ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ ମିଶିକିରି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବୁଝିହେଉଛି। SA BOI ବି ଦିଆଯାଉଛି, SA BOI ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ SA BOI ମିଳିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ପୁରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ରହିବ, ଏଇଟା A to Z ସବୁକିଛି ପଢ଼ାଯିବ। ତନୁଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଢ଼େଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ତନୁଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ନାଁ ବି ଅଛି। ସୋ ଏନିୱେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ନେବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, 2 ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିନା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଲାଉ କରାଯାଏନି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି 100% ପ୍ରୁଭନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତେଣୁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଗ ନେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣମାନେ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ, କ୍ଲିୟର। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
मेन एग्जाम टाइम रे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो नहीं क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन क्यू एंड ए लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर जो पांच मार्क दस मार्क जहाँ भी अच्छी से सब आपण मानक अवेलेबल हम जहाँ कि 90% क्वेश्चन डायरेक्ट सीटी आसवर कारण हूँ से बहुत मेहनत होम एक्सपर्ट सब रिसर्च वर्क होणु ओबिययसली आसब बुझे सो एनवे एतिक थिला कथा तेणु आपण मैंने जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा से मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम करें जो नंबर में यह विषय आम वेस्ट टीम ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल अच्छे से अपडेट देचु आपण मैं डिटेल्स जापरेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आउ गोटे कथा हूँ कौन सिंसियरली लगे निश्चित भाव कोचिंग फलप्रद हम सिंसियरली न लगे ब्रह्मा पढ़ेले भी सिलेक्शन हवा कष्ट सो एनिवे विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लव यू गाइस थैंक यू वेरी मच।